दोस्तों, पटना से चलने वाली है दो नई वंदे भारत ट्रेनें और इसके बारे में जो हलचल है वो पूरे देश में काफी तेज हो चुका है। और इसके बारे में रिसेंटली वीडियो में भी हमने बात किया था कि यहाँ पर देश में एक बार फिर से वंदे भारत की जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पर होने का समय आ चुका है। और मार्च महीने में जो लॉन्चिंग है वंदे भारत ट्रेनों की, ये आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ऐसे में दोस्तों, पटना से चलने वाली ये जो दोनों वंदे भारत है, इनके रूट से लेकर सभी चीजें तो क्लियर हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है, मतलब इसका लॉन्चिंग डेट क्या है, इसके ऊपर भी जो अपडेट है वो फाइनली पर निकल के सामने आ चुका है। और इसको हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 21 तारीख को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है, तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पटना से कहां कहां के लिए दोनों वंदे भारत चलने वाली है, और इसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इन दोनों गाड़ियों को कब हरी झंडी दिखाने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बार सिर्फ दो ही वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, अगर हम पटना की बात कर लें तो पटना से ऑलरेडी दो वंदे भारत चल रही है, पहली पटना से रांची और दूसरी पटना से हावड़ा के बीच में एक बेहतर कनेक्टिविटी ऑलरेडी बना रही है। इसके अलावा भी दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक साथ ही दो वंदे भारत ट्रेनें फिर से चलने वाली है, और इसके ऊपर जो पूरे डिटेल रिपोर्ट है वो हम सभी को देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, एक्चुअली भारतीय रेलवे की तरफ से पटना जंक्शन से दो नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है इसको किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से लखनऊ वाया अयोध्या चलाई जाएगी, जबकि जो हमारी दूसरी वंदे भारत है जो कि पटना से चलने वाली है, ये पटना और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली है। और इसका जो फैसला है वो भारतीय रेलवे द्वारा यहाँ पर लिया जा चुका है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। दोस्तों, पटना और न्यू जलपाईगुड़ी वाली वंदे भारत का जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर निर्धारित कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, पटना अयोध्या वंदे भारत का जो रैक है वो भी यहाँ पर राजेंद्र नगर का जो कोचिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आ चुका है। हालांकि इस ट्रेन का जो समय सारणी है, हमारी जो पटना अयोध्या लखनऊ वाली वंदे भारत है, इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जल्दी ही इसका जो टाइम टेबल है हमारी पटना लखनऊ वंदे भारत का, इसको भी निर्धारित करते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से जारी किया जाएगा। दोस्तों, हमारी जो न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक चलने वाली वंदे भारत है, ये उत्तर सीमांत रेलवे के अंडर में होकर चलने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर बात कर ले हमारी पटना और न्यू जलपाईगुड़ी वाली वंदे भारत का टाइम टेबल की, तो यह ट्रेन दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 6 बजे रवाना होकर 7 बजे किशनगंज, 8:30 बजे सुबह में कटिहार होते हुए दोपहर में 1 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी, और वापसी में जो गाड़ी है यह 3 बजे पटना से रवाना होकर शाम में 7:30 बजे कटिहार, रात में 8:49 पर किशनगंज और रात में अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच जाएगी। लगभग दोस्तों 471 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी 7 घंटे में कवर करने वाली है। वहीं इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है पूरे जर्नी में वो यहाँ पर 67 किलोमीटर पर आवर होने वाला है। वहीं दोस्तों, हमारी जो पटना और न्यू जलपाईगुड़ी वाली वंदे भारत है, ये हफ्ते में मंगलवार को बंद रहेगी, बाकी 6 दिन गाड़ी अपना सर्विस देने वाली है। वहीं बात कर ली इस गाड़ी के मेंटेनेंस की, तो इसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो न्यू जलपाईगुड़ी में ही होने वाला है। इसी तरह दोस्तों, पटना और लखनऊ वाली जो वंदे भारत है ये वाया डीडीयू के रास्ते चलेगी, और इसके लिए शनिवार को यानी कि बीते शनिवार को इसका जो नया रैक है वो डीडीयू से राजेंद्र नगर पहुंच चुका है। इस ट्रेन को राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रखा गया है फिलहाल के लिए। इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है हमारी पटना और लखनऊ वाली वंदे भारत का, इसका जो काम है वो रविवार के दिन से शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों, ट्रायल रन के अलावा इसका जो अन्य टेस्टिंग का काम है जो कि रैक पहुंचने के बाद होता है, वो भी रविवार के दिन से इस गाड़ी के साथ शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम पटना और लखनऊ वाली वंदे भारत के पूरे रूट के बारे में हम बात करें, तो ये ट्रेन पटना से आरा, बक्सर, डीडीयू, अयोध्या होते हुए लखनऊ तक अपना जो सर्विस है वो हफ्ते में 6 दिन देने वाली है। सुबह 6 बजे के आसपास यह ट्रेन रवाना होगी और रात में 10:30 बजे तक लखनऊ से वापस लौट आएगी। दोनों ट्रेनों को अगले सप्ताह चलाए जाने की यहाँ पर उम्मीद जताई गई है, लेकिन दोस्तों इसका जो एक्चुअली डेट है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इन दोनों गाड़ियों को कब हरी झंडी दिखाने वाले हैं, ये भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें एक्चुअली में बिहार को मिलने वाली है, और बिहार का जो पटना है राजधानी, इसका कनेक्टिविटी न्यू जलपाईगुड़ी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ काफी बेहतर करने जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात कर ले लॉन्चिंग डेट की, तो इन दोनों गाड़ियों की जो सौगात है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, बताया गया है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका दौरा 6 मार्च को चंपारण में तय हो चुका है, और चंपारण के बेतिया में हमारे जो पीएम है वो आने वाले हैं 6 मार्च को, और इसी दिन यानी कि 6 मार्च को ही इन दोनों गाड़ियों का जो शुरुआत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना से हो सकता है। दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट मिला है उसे पता चला है कि 6 मार्च को जब बेतिया में प्रधानमंत्री आएंगे तब यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद इन दोनों नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक भारतीय रेलवे की तरफ से इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दोस्तों इन दोनों वंदे भारत
इसका जो लॉन्चिंग डेट है, पहला लॉन्चिंग डेट, वो यहाँ पर 6 मार्च को बताया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले कि क्या सिर्फ 2 वंदे भारत ही इनॉग्रेट होने वाली है, तो देखिए दोस्तों इस पर बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली कहना अभी कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा नई दिल्ली और बनारस के बीच में चलने वाली जो रिवर्स वंदे भारत है उसकी शुरुआत सिंगल ही किया गया था। जब रिवर्स वंदे भारत की शुरुआत हुआ था वाराणसी से दिल्ली के बीच में, तब उसके साथ कोई भी वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च नहीं किया गया था। तो इस बार भी 6 मार्च को आपको हो सकता है कि ये सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेनें इनॉग्रेट होते हुए दिख जाए बिहार के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बैक टू बैक दौरा हो रहा है बिहार के अंदर, और ऐसे में सौगातों का जो झड़ी है वो भी बिहार को यहाँ पर लगातार मिल रहा है। और आपने रिसेंटली देखा कि बिहार के अंदर 5 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर जो पीएम है वो यहाँ पर रवाना किए बेगूसराय से, और ऐसे में दोस्तों बेगूसराय के बाद पीएम का जो दौरा है वो चंपारण के बेतिया में यहाँ पर फिक्स हो चुका है, और इसकी तैयारी भी बेतिया का जो हवाई अड्डा वाला जमीन है यहाँ पर काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। और 6 मार्च को जब पीएम आएंगे बेतिया में, तो बेतिया से ही पटना और न्यू जलपाईगुड़ी वाली वंदे भारत के साथ साथ पटना और लखनऊ वाली जो वंदे भारत है इसकी शुरुआत कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और दोस्तों हमारी जो पटना और लखनऊ वाली वंदे भारत है इसको शुरुआत करने का बस एक ही रीजन है कि अयोध्या का जो कनेक्टिविटी है वो बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ ये जो पूरा रूट है उसके साथ काफी बेहतर हो पाए। फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि 6 मार्च वाला ये जो अपडेट है वो कितना सच साबित होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम तैयारियों को देखें तो तैयारियां उस लेवल से नहीं की जा रही है कि 6 मार्च को लॉन्चिंग हो पाए, क्योंकि दोस्तों अभी तक एक भी ट्रायल रन वगैरह इन दोनों वंदे भारत का नहीं हो पाया है। खैर दोस्तों वंदे भारत को लेकर अनएक्सपेक्टेड काम ही होता है हर बारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 मार्च को क्या होता है वंदे भारत को लेकर। बाकी इसको लेकर आगे कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।